सबसे पहले सचिन यादव हमारे अजीज मित्र को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में जो उन्होंने आज अपनी फिल्म का मुहूर्त रखा है उस फिल्म का नाम है वी आर डफर। तो वी आर डफर की पूरी टीम के बधाई हमारे तरफ से, और सचिन भाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि भाई ये फिल्म की शुरुआत जिस आज जन्मदिन के उपलब्ध में आपने किया है उसी हौसला और बुलंदी के साथ आप इस फिल्म को बनाइए और पर्दे पे लाइए। हमारी ढेर सारी अरे हमको तो पता नहीं था सचिन का जन्मदिन, हम तो सिर्फ मुहूर्त में थे। वैसे सचिन जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और वी आर डफर्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सचिन की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सी फिल्म में डायरेक्ट किया, हिंदी में किया, और आज एक्टर आप भी कई फिल्मों में नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि आज अपने साथ का और अपने बीच का एक साथी कलाकार जो आज एक डायरेक्टर के रूप में खड़ा है, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी होती है कि हमारा एक अजीज मित्रों में से एक भाई आज इस लेवल पर पहुँचा है। रही बात हमारी, अभी तो मैं छोटे मोटे किरदार से लेकर हर जुड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फिल्मों से जुड़ा रहूँ। बेसिकली मैं एक समाज सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि फिल्म के लिए और कलाकारों के लिए जो मेरे से हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मेरी फिल्म जो अभी आने वाली है, मैं नागिन तू सपेरा, अरविंद चौबे जी की, राज तिलक, रजनीश मिश्रा जी की, उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है हाई हो तो ऐसा, वो भी आ रही है, और 24 अगस्त को जो रिलीज है उस फिल्म का नाम है संघर्ष। तो मैं आप सब मीडिया के सभी भाइयों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज हम लोग की फिल्मों के प्रमोशन होते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद हमें भी कोई नहीं जानता, तो सबसे बड़ा योगदान आप सबका होता है। तो मुझे आप सबके लिए, सारे मीडिया भाई के लिए मैं दिल से बधाई देता हूँ। संघर्ष की बात की जाए तो क्या कहना चाहें, और आपका अब तक करियर में कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा? मैं अपनी लाइफ में संघर्ष हमेशा ही करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि सीखने के दिन मरते नहीं है, हर दिन सीखना होता है, तो संघर्ष तो हर दिन होता है। संघर्ष में बहुत अच्छा लगा था काम करके, क्योंकि सारे सीनियर्स उसमें और सब दोस्त लोग थे उसमें, खेसारी भाई हीरो थे और रत्नाकर जी की वो फिल्म है, उस फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल जी थे, फिल्म में विलेन देव सिंह, सुबोध सेठ, और सुबोध सेठ उसमें पॉजिटिव काम किया, उसमें किसान जी का बड़े भाई का रोल किया, हमारे बड़े भाई अवधेश मिश्रा जी का उसमें अद्भुत कला देखने को मिलेगा, वो तो वाकई अवधेश जी कला के पुजारी हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, संघर्ष सबको देखना चाहिए, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, दर्शकों को पसंद आएगी, और पारिवारिक फिल्म है, खुशी सी भी होती है, देख सकते हैं उस फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। चेंजेस की बात की, चेंजिंग है आपने, तो क्या चेंजिंग है इसका? चेंजिंग ये है कि जो अभी आज मैं भी मानता हूँ कि भोजपुरी में जो अश्लीलता के खिलाफ जो आज के रेट में आवाज़ उठाए जा रहे हैं, उस आवाज़ में एक आवाज़ मेरा भी है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि गंदे फिल्में बने या गंदे गाने लिखे जाए, उस चीज़ का मैं खिलाफ पहले भी था और आज भी हूँ। तो उस चीज को देखते हुए ये संघर्ष में मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना रजनीश मिश्रा ने मार्केट में दिया था, उसी तरह पराग पाटिल की एक फिल्म आ रही है संघर्ष, जिसमें कि पूरी पारिवारिक फिल्म है और परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है, तो इसको चेंजिंग हम जरूर बनेंगे। हाँ, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, गाने भी उसके अच्छे हैं, और आप पूरे परिवार साथ बैठ के देखेंगे और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, ये पक्का गारंटी है। ये कब तक रिलीज होगी? 24 अगस्त को रिलीज होगी, ये 24 अगस्त को रिलीज हो रही है मुंबई और बिहार, 24 अगस्त को रिलीज हो रही है। आप सुबह जी आप बताएं, अभी कौन कौन फिल्में आने वाली है? हमारी अभी राज तिलक आने वाली है, ये संघर्ष आने वाली है, संघर्ष में पहली बार मैं पॉजिटिव रोल में हूँ, और अभी मेरी जंग आने वाली है, ये तीन फिल्में हैं जो अभी लगातार बैक टू बैक आने वाली है। अरे पहले हाँ हाँ पहले पूजा करवाओ, हेलो ये कौन सा शॉट कर रहा है थोड़ा, अगरबत्ती पीछे कर लीजिए, अगरबत्ती एक और मारे, वंस मोर, अच्छा लगेगा उनको, कुछ नहीं देखा, वंस मोर मंत्र पढ़ दीजिए। ओम सर्व मंगल मांगले सर्वेश्वर शांति हरे तुम की गौरी नारायणी नमो। पंडित भारत का मंत्र क्या पढ़ रहा है? ओम पूर्व सुसुस और वलेन,
दे तू रहे दे बात सुन देव सदी में दीव न पूछो दया अरे साइड साइड आपका नाम सचिन है तो आप ही में रहेगा ना सुमन नगर तो हाजी कहां गए हमारे निशिकांत जी जा सर बुलाइए अरे किशन तू बेटा जा सर आइए 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 भैया आपके बिना अच्छा लगेगा मैं धोनी का नहीं कल्याण जी मतलब बुला लो कल्याण जी कहाँ गए थोड़ा पीछे चलो संजय सर को भी ले लीजिए अरे ये तो सर को मरवाएगा मेरे को अरे संजय सर को भी ले लो काफी अच्छा लगेगा उसको कोई जला दिया जाए लाइटर है मैं सिगरेट भी दबा खा लिया सचिन जी सर हां हां ये बंद कर दो ना बैल बंद करो और कुछ को बुला लेंगे बुला लो बेटा जी अब ये से काट दो चाकू रखा कहां है हैप्पी बर्थडे काफी मुश्किल होता है इन इंडस्ट्रीज नॉर्मली माना जाता है हमारे और वी आर डफर डफर की अगर बात करें तो कौन है डफर आप में से यामिनी या दोनों डफर हैं जी अपना अपना किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं किस प्रकार का किरदार है और कैसा ब्रीफिंग दी गई है डायरेक्टर की तरफ से सचिन यादव जो आजकल नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी में चलता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की सुनते नहीं हम अपनी लाइफ में मस्त होते हैं और किसी की सुनते नहीं फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स हमारे जो जो भी एल्डर्स हैं जो हमें सजेशन देते थे सारी चीजें बताते थे जो करते नहीं है कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं पता आप नहीं जानते हो अरे आपको कोई आइडिया नहीं है फिर लास्टली जब पता चलता है कि नहीं यार वही सही थे कैसे वी आर लाइक अ गूगल वर्ल्ड यू नो एवरीथिंग गूगल गूगल तो मम्मी डैडी आप कुछ नहीं जानते बट एंड एट द एंड ऑफ मतलब एक एहसास होता है यार कि नहीं हमारे जो भी थे और जो भी मतलब बेवकूफियाँ हम लोग करते हैं मस्ती करते हैं सो वी आर डफर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आए दिन जो हो रहा है यहाँ पे जो और लोग अपने कैरेक्टर से जो अपनी लाइफ है उससे रिलेट कर पाएंगे आपके कैरेक्टर्स को या मैंने किस प्रकार के ऑडियंस को टारगेट किया गया है इस कहानी के माध्यम से फिल्म के माध्यम से मोस्टली टीनेजर्स बिकॉज़ ये मूवी इज लाइक टीनेजर्स के ऊपर कंफ्यूजन जैसे आपने सुना कि मेनली इसका कंफ्यूजन ही यही है कि जो टीनेजर्स को लगता है कि हम ही सही है वो नहीं है वो आपकी सिर्फ उस पल में सोच ऐसी इसके लिए बाकी सही तो वही है जो हमसे बड़े हैं बस मेनली टीनेजर्स हमारे लाइक ये मूवी तो यंगस्टर्स के लिए है लेकिन सबके लिए एक मैसेज रहेगा जो पेरेंट्स के लिए भी रहेगा कि बच्चों पे भी थोड़ा मतलब जो केयरिंग सारी चीज़ें और एट मतलब एंड में वो सारी चीज़ें दिखाएंगे मतलब पेरेंट्स बच्चे जो भी उनके बीच का कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ें जो हमारे टीचर्स हैं वी आर डफर की बात करें तो किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी की इसके लिए कोई कठिनाई आ रही या चैलेंज आ रहे हैं आपको अपने अपना किरदार करने के लिए और आचार्य गूगल से भी कुछ आपने सीखा है क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑब्वियसली आचार्य गूगल से भी हमने बहुत कुछ सीखा है जैसे लाइक प्यार पंचनामा फुकरे दिस काइंड ऑफ मूवी ये इसी टाइप की मूवी है मतलब जिसमें आपको एट टाइम्स कॉमेडी भी है इमोशन भी है मजा आएगी जो अपने हम रियल लाइफ में जो करते रहते हैं तो एक्टिंग कुछ है नहीं इसमें जो हम हैं एक्चुअली जो करते रहते हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखाना है सो जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस किया है और जो आपका किरदार है वो कितना आपने प्रिपरेशन किया होगा कितना कठिनाई आई होगी आपको फर्स्ट टाइम एज अ कैमरा एक्चुअल में तो कैसा है कि डिफिकल्टी तो होगी बट सचिन सर इज वेरी सपोर्टिव बहुत सपोर्टिव है वो और गलतियाँ होती हैं सबसे होती सर का ये कहना है कि गलतियाँ होती हैं पर सुधारना हमारे हाथ में संजय आपको कुछ पूछना आप कहाँ के रहने वाले हो और सिनेमा लाइन में कैसे ये सवाल हुआ पूरा पता बताइए ना ताकि हम लोग मैं इलाहाबाद से कहाँ कोंडवा हंडिया सिविल लखनऊ से हूँ मैं वैसे पैदा पुणे में हुई थी पर लखनऊ में ही बॉटम
उसके बाद लखनऊ में विकास नगर। या मुझे इससे पहले क्या किया होगा कुछ भी? इससे पहले मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं, और इससे पहले एक्चुअली मैंने इतना कुछ काम बहुत बड़ा नहीं किया था। ये मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। सचिन सर ने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझे इतना बड़ा काम दिया है। किस बॉलीवुड एक्टर्स को फॉलो करती हो या उसे कुछ सीखने को मिला? दीपिका पादुकोण जी। आपको सर? माय रोल मॉडल है विद्युत जामवाल, और मैं उनके साथ मिक्स मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, टाइकोंडो क्वालीफाई टू मोए थ्रू एनजीएस, और नेशनल के लिए अप्लाई भी किया हूँ। नेशनल बहुत जल्द खेल जाऊँगा मैं, और बाकी सचिन यादव के बारे में कुछ बुराई कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। ओके, ये बहुत अच्छे इंसान, ये अच्छा सर। काफ़ी अलग नाम दिख रहा है, नॉर्मली इस तरह के नाम नहीं इंडस्ट्री में। एक्चुअली बता दूं कि वी आर डफर्स कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने सोचा, हमारे राइटर्स ने वी आर डफर्स, हम सब डफर होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम गलत करते तो हमें पता होता है, जब हम गलती करते तो हमें कुछ अच्छा करने के चक्कर में गलती करते हैं, बट जब हम गलत करते हैं ना हमें पता होता है, बट उन सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, छोड़ना है। तो सिनेमा में फर्स्ट हाफ जो है इंटरवल तक फुल कॉमेडी है, इसके बाद जो है सीरियस भी है। तो सिनेमा में सब कुछ डाला हूँ, जो आज के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं होते हैं, उनको पता, उनको लगता है कि उनको पता होता है कि मेरे माँ बाप को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उनको, बच्चों को नहीं पता होता कि 25 साल पहले वो कर चुके हैं जो आज हम कर रहे हैं। जब माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रही, अरे मम्मा छोड़ना क्यों, फिर बार बार पूछती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम्हें क्या पता, मम्मी से लड़कियाँ पूछ देती हैं तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानोगे, लेकिन उनको पता नहीं कि 25 साल बड़ी हमसे। सिनेमा में जब हम सिनेमा को मतलब रियलिस्टिक से लेकर के रियल चीज़ को मैंने उठाया है, लेकिन उसके साथ पूरा एंटरटेन भी करेंगे। सचिन आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी फिल्म आप क्या चुके? मैं जौनपुर से हूँ, मैंने एक फिल्म हिंदी बनाई थी गार्जियंस, और इसके बाद अभी एक फिल्म और मेरी आई है भोजपुरी में, आयल राघवानी और विराज भट्ट मैंने किया था महाभारत, वी आर डफर्स लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद और भी फिल्में, तीन चार फिल्में लाइन से हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट के चक्कर में ब्रेक किया, और ब्रेक नहीं किया, स्ट्रगल जारी है। बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, कभी कभी सेट होता है मामला तो कोई एक पिन मारता है, इंडस्ट्री से खूब पता है। एक फिल्म बनाने के लिए निर्माता है बहुत बड़ा सकता है, कौन निर्माता है और कहाँ है बताएंगे? हर्ष जी हमारे हैं, और वो भी नहीं पहुँच पाए हैं, एक्चुअली आपको पता है, बताया था हमने। तो कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों की बहुत ज़्यादा हमारे साथ सपोर्ट रहा है, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे अभी लड़का है उसको स्टूडेंट को मैं एक लड़के को, उसमें तीन हीरो हैं एक्चुअली इस फिल्म में, तो तीनों में से जो है दो बच्चे मेरे जो है मेरे स्टूडेंट हैं, और इनको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी हमारे स्टूडेंट ही हैं। ये दोनों में क्या ऐसा रहा कि आप दोनों कास्ट किए हैं? ये बखूबी निभा पाएंगे, ये बहुत ही बंदा बहुत टैलेंटेड है और मेरे साथ 4 साल से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही टैलेंटेड है। चाहे आप एक्टिंग अब तो देखेंगे आप लोग, एक्टिंग से लेकर के डांस से लेकर के एक्शन से लेकर के मतलब हर चीज़ में, लाठी से लेकर के ओरिजिनल जंप मारता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि बताया कि विद्युत के बारे में फॉलो करता है, तो 110% फॉलो करता है। सचिन, वी आर डफर की अगर बात करें तो कहाँ से इंस्पिरेशन आया आपको इस प्रकार की कहानी को उठाने के लिए, और क्या USP होने वाली है फिल्म की? बहुत करेक्ट क्वेश्चन आपका। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट रोजमर्रा की जिंदगी हमारे पास आता है, हम जब चलते फिरते भी देखते हैं ना जिसे, उससे मैंने कॉन्सेप्ट उठाया। USP क्या होने वाली है इस फिल्म की जी? USP क्या होने वाली है? अब उसका बनने के बाद टर्न एंड ट्विस्ट, जब अब बनने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा तो ब्रीफ देता हूं दर्शकों को। कहा है सर कि राइटिंग प्रोसेस जो भी हो कंप्लीट हो चुका है जी, बिल्कुल। तो क्या लोगों की सोच बदलेगी इस मूवी से? कोशिश तो हम करते हैं सर, हर फिल्म कुछ ना कुछ, एक कोई भी फिल्म बनाता है, चाहे वो अमर कश्यप जी हो, चाहे वो सुभाष देसाई हो, चाहे सचिन यादव,
और चलते चलते एक आखिरी सवाल, सिनेमा को जो बनाता है तो टॉप मोस्ट टॉप नंबर वन पे ही लेकर के जाने की कोशिश करता है। चलते चलते इसकी शूटिंग हम मुंबई में कर रहे हैं और टोटल शूटिंग मुंबई में होगा, गाने वाने के लिए हम कुछ बाहर जाएंगे। चलते चलते आखिरी सवाल इन दोनों के अलावा और कौन कौन कलाकार इसमें नजर आना चाहिए, और भी हम कंटिन्यू करवाएंगे, किसको किसको फाइनलाइज किया गया है या करना है? चंदन है, काफी अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत उनका वर्कशॉप भी ले रहा हूँ मैं फिल्म का प्रॉपर तरीके से। मैं आज आपका जन्मदिन है, सुबह से क्या किए हैं? सुबह से बस खा रहा हूँ दोस्त, पार्टी आप लोगों के लिए अरेंज किया था भाई, सुबह से भी सीधा उसी चीज़ में आप लोग आ रहे हैं तो आप सबकी व्यवस्था में लगा हुआ था, वही कर रहा हूँ और अभी मस्ती होगी। आपके जन्मदिन में क्या दिए हैं? बोलिए बोलिए। सर ने दिया ना, क्या कुछ धमाल होने वाला है आज जन्मदिन पर सचिन? बर्थडे बॉय को पता होगा, डांस होगा, साउंड में डांस होगा, लगा हुआ है डांस होगा आपको, और मेरा तो स्पेशलिटी है डांस, वही होगा। आपके तरफ से क्या जन्मदिन की इनके शुभकामनाएं है और क्या कुछ धमाल करने वाले आज? सर सबसे पहले तो सर बोलूंगा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर ने हमें खुद ही इतना बड़ा तोहफा दे दिया है अपने जन्मदिन पे, इनको मैं क्या दे सकता हूँ सचिन? आज आपकी मैडम यहाँ उपस्थित है, कुछ कहेंगे? जी मेरी तरफ पत्नी भी आई हुई है आज, पहली बार आज। रियल वाली है ना? रियल वाली, झगड़ा मत लगा भाई, एक्चुअली जो है पहली बार आई है सिनेमा में हमारे किसी बच्चे। अच्छा, कितने साल के हुए हो? मैं हो गया 34, 35 अब स्टार्ट हो गया, लगता 26-27 के। जी सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और वी आर दफर फिल्म से कैसे जुड़े हुए और किस प्रकार का आपका किरदार है इसमें, और अबाउट सचिन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म के बारे में, किरदार के बारे में? जी मेरा नाम चंदन यादव है, पंजाब से हूँ, पंजाब से हूँ, और वी आर दफर में मेरा कॉमेडी का रोल है, और मैं बहुत आभारी हूँ सर, सचिन सर ने ये मौका दिया मुझे, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कर सके इस फिल्म में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो क्या, मेरा नाम आदित्य है और मैं सचिन सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो सर ने मुझे इस फिल्म में सेकंड हीरो का रोल दिया है, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं फिल्म में इतना बेस्ट दूंगा कि फिल्म हिट जाए हमारी। कितनी तैयारी की आपने इस फिल्म में? बहुत तैयारी करी सर, बहुत तैयारी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम सचिन गिरी है, प्रोड्यूसर सर से मुलाकात हुआ, सर ने बताया कॉन्सेप्ट, उस पर ही बताई, अच्छा लगा, तो हमको भी अच्छा लगा, स्टोरी सुनकर कॉन्सेप्ट लगी, ऐसा लगा कि पिक्चर कुछ हिट हो सकती है, बढ़ सकती है पिक्चर, मतलब कॉन्सेप्ट इतने लाइट थे, इतने ज़बरदस्त थे आज के टीनेजर्स के लिए कि दिल को लग गया कि पिक्चर बढ़िया। चलिए आज जन्मदिन भी है सचिन भाई का, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, आप अपने तरफ से क्या कुछ शुभकामनाएं? मैं तो भगवान से ही दुआ करूँगा कि सचिन से की उम्र मतलब भी हो ताकि और आगे फिल्में करें। सर वो तो चार फिल्म तो है ही सर हमारे, कॉमेडियन का रोल कर रहे हैं, कुछ हंसाने वाली बात बोल दीजिए। अरे चले जाने, कल कर बोले सर अपना। आप क्या चले चलो चलो सर, क्या कहना चाहिए उनका मुहूर्त है और संदीप जी का भी बर्थडे, क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो मेरा नाम राकेश, राकेश सुतार, ये फिल्म की कोरियोग्राफी सचिन सर ने दी है, मैं और मलिका हम लोग साथ में काम करते हैं कोरियोग्राफी में, बहुत ही खुश है कि काम भी मिला है और हम लोग प्रूव भी करेंगे, और साथ में आज इतना अच्छा मौका है कि सचिन सर का आज बर्थडे भी है, तो दोनों खुशी के मौके एक साथ मिल गए, और ये कोशिश करेंगे कि फिल्म अच्छे से कोरियोग्राफी करें, अच्छा काम करें और आगे बढ़ते रहें। मैम आप क्या कहेंगे? सचिन सर को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज उनका बर्थडे है, बस वो आज के दिन पे इतना शुभ काम कर रहे हैं, इतना मुहूर्त है, हम कोशिश करेंगे आगे कि जितना अच्छे से अच्छे दोनों एक्टर्स को एक्ट्रेस सबको दिखाने के लिए सारी कोशिश जारी रहेगी। सचिन सर को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम आगे बढ़ सकें, थैंक यू सचिन। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मेरा नाम संजना यादव है, और सचिन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका बर्थडे प्लस उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया सब चीज़ का, तो अच्छा लगा, प्लस इतने सारे लोग आए और उन्होंने फिल्म के बारे में जो बताया और उसमें शामिल हो रहे लोग, मैं भी शामिल हूँ इसमें, थैंक यू। थैंक यू।
क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से ये दोनों नए पेयर के लिए? सबसे बड़ा पहले तो सचिन छोटा भाई के तरह है और इसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही मालूम पड़ा किसका जन्मदिन है ना, लेकिन फिल्म के लिए तो बहुत इसको शुभकामनाएं हैं। यामिनी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और इसको शुभकामना, और मेरी दूसरी फिल्म की भी यही हीरोइन है। और आवारा बलम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी रही और फिर कैसा कलेक्शन रहा और आगे की क्या तैयारी है, पार्ट टू क्या खबरें आ रही है सूत्रों से? पार्ट टू तो नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो बहुत अच्छी चली और चली रही है, अभी यूपी बिहार में चली रहा है वहाँ पर और चलते रहेगा, अभी तो बहुत सारे अभी बाकी हैं और बॉम्बे में करीब करीब सब जगह आप लोगों ने देखा ही, गुजरात में दो दो सप्ते बहुत अच्छा चला, दिल्ली में भी चला बहुत अच्छी। रहा दूसरी फिल्म की बात है तो पार्ट टू तो नहीं बना रहे, लेकिन कलमा करोड़पति जो हमने अनाउंसमेंट किया था वो अक्टूबर में हम जा रहे हैं रांची में शूट करने। ओके सचिन, आप क्या कहना चाहोगे, सचिन गांधी जी आपको शुभकामनाएं देने आए जन्मदिन पर, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर के बारे में जो भी बोलूँ कम है, इतना समान है वैसे प्यार मिलता है मुझे, मेरा रोड में आज सर दो ढाई घंटे की रोड ट्रैफिक में खारगढ़ से जो है वहाँ से तो बहुत मानते हैं मुझे, दिल से मानते हैं और एक फिल्म भी मैं कर रहा हूँ सर के साथ, सर का आशीर्वाद है तो उसने हमारे कर दिए थे, एक फिल्म मुझे दिया है सर के बहुत जल्द उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। जब भी कुछ छोटा करता हूँ, एक और मैंने किया था म्यूजिकल किया था तो भी सर आए थे इनके हाथ से, ये सक्सेस जिनका मतलब पैर अगर पड़ गया मेरे पास तो मतलब मैं धन्य हो गया और मैं सफल होऊंगा, तो मेरा 10% सफलता मिलेगी मुझे, तो इसलिए सर के साथ हमेशा रहना चाहिए। यामिनी आप क्या कहना चाहोगे, कहते हैं कि सर घी में और सर कढ़ाई में, क्या पाँचों उंगली सर, वो कहावत है, एक फिल्म में कर रही थी सर ने दूसरी फिल्म दे दी आपको, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, इससे पहले हमने अनाउंसमेंट कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, यामिनी यामिनी आप क्या कहना चाहोगे? फिल्म इंडस्ट्री में मैं अभी तक बहुत से लोगों से मिली, मतलब सच में मैं बहुत से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सबसे मिली, पर जो सबसे मेरे फेवरेट हैं अब तक के इंसान भी और सब कुछ वो सर है सच में, मतलब ये मुझे इतना मतलब हमेशा एक गाइड की तरह गाइड कर रहे हैं हमेशा मुझे, जबकि मुझे बहुत टाइम से नहीं जानते सर, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक हमेशा एक गाइड की तरह गाइड किया, ये करो तुम ये करो तुम्हारी जिंदगी में तुम बहुत सफलता पाओगे, और सर बहुत अच्छे, इनका आशीर्वाद बस बना रहे। थैंक यू सो मच।